हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीतो की इजी रेसिपी में। और आज हम बनाएंगे फलाहारी कढ़ी और चावल पुदीने की चटनी। सिंपल तरीके से 5 मिनट में बनने वाला ये रेसिपी है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करना। फलाहारी भोजन है ये, कढ़ी और चावल। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने करी पत्ता लिया है, हरा मिर्च लिया है, थोड़ा सा मैंने जीरा लिया है और थोड़ा सा मैंने अदरक कद्दूकस करके लिया है। और मैंने यहाँ पर 2 आलू जो है कद्दूकस कर लिए हैं और 1 कटोरी दही लिए हैं, थोड़ा सा कम। तो बस अब चलिए मिला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 3 चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, 100 सिंघाड़े का आटा लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है सेंधा नमक और जीरा डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक कद्दूकस करके डाल दिया है क्योंकि इससे थोड़ा सा चटक हो जाएगा। और ये मैंने जो आलू कद्दूकस किया था वो मैंने डाल दिया है और 2 जो है हरी मिर्च कट करके ये मैं डाल दूँगी क्योंकि जो है फलाहारी चीज़ों में तो एकदम सिंपल चीज़ पड़ता है। तो यहाँ पे मैं जो फलाहारी तरीक़ों से बनता मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दही ले लिया है, बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लेना है। ज़्यादा न थिन होना चाहिए न ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अच्छे से इसको फेंट लिया है और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैं गैस जो है जला लिए हैं और यहाँ पे मैंने रख दिया कढ़ाई, उसमें मैंने तेल डाल दिया है, खाने वाला तेल, मतलब रिफाइंड ऑयल जो व्रत में खाया जाता है, आप तो घी में बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको सारी पकौड़ियाँ बना लूँगी और इसको ना मुझे धीमी आंच पे ही पकाना है, नहीं तो बाहर से पक जाएँगे अंदर से कच्चे रहेंगे। और सिंघाड़े के आटे में बनाना है, सिंघाड़े का आटा थोड़ा सा स्वाद अलग होता है, कुट्टू के आटे में भी बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने सिंघाड़े के आटे में बनाया है। तो ये थोड़ा सा बस चिपक रहा है लेकिन इसको धीरे धीरे जो है इस स्पैचुला की मदद से इसको छुड़ा लेना है। तो ये देखिए पकौड़ियाँ बनके एकदम तैयार हो गया है और मैंने इसको धीमी आंच पे फ्राई किया है और बहुत करारी करारी पकौड़ियाँ बनके रेडी हो गया है। और इसके बाद मैं दूसरा बैच डाल दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है घोल के लिए, सॉरी बेसन नहीं, सिंघाड़े का आटा लिया है। तो और ये जो दही है ये पूरा मैं दही डाल लूँगी और इसके बाद इसको जो है थिन एक मतलब पेस्ट बना लूँगी, मतलब कढ़ी में डालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दही और सिंघाड़े का आटा, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है और हल्दी नहीं डाल सकते फलाहारी में, बहुत लोग फलाहारी में हल्दी खाते हैं बहुत लोग नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर मैंने हल्दी का प्रयोग नहीं किया है। और तेल मैंने निकाल के थोड़ा सा तेल बचा लिया था, इसमें मैंने जो है जीरा और करी पत्ते का तड़का लगा दिए हैं, हरी मिर्च डाल दिए हैं, आप सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने अदरक कद्दूकस करके डाल दिया है। तो बस इतना सामान मैंने डाल दिया है, आप चाहे तो इसमें से अदरक स्किप कर सकते हैं लेकिन अदरक से क्या होता है ना चटकपना आ जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए अच्छे से जो है इसको भून लिया है। अब उसके बाद जो मैंने घोल तैयार किया था वो मैं घोल डाल दूँगी। तो इसमें दही और 2 चम्मच सिंघाड़े का आटा और जो है ये मैंने घोल बना के इसको डाल दिया है। तो देखने में तो वाइट वाइट लेकिन खाने में इतना स्वादिष्ट था फलाहारी कढ़ी, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करना। इसके बाद ये खोल जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी पकौड़ियाँ। तो बस यहाँ पर जो है 5 मिनट में मेरा जो है कढ़ी पकौड़ा बनकर रेडी हो गया है। और हाँ, इसमें ऊपर से आप भुना जो है जीरा भी डाल सकते हैं, मेरा स्किप हो गया है। तो ये देखिए कढ़ी बन के रेडी हो गया है, अब बना लेते हैं चावल, फलाहारी चावल। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी जो है सवा के चावल लिए हैं, मतलब ये जो व्रत वाला चावल होता है वो मैंने लिया है। अब इसको मुझे अच्छे से वॉश कर लेना है। तो ये देखिए मैंने 2 से 3 पानी से अच्छे से धुल लिया है और ये जो है व्रत का चावल है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच घी लिया है और घी गर्म हो जाएगा इसमें मैं जीरे का तड़का लगा दूँगी। तो घी से मतलब ज़रूर डाल देना क्योंकि चावल इससे चिपकता नहीं है, बहुत छोटा छोटा चावल है तो चिपकने का थोड़ा डर रहता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने जीरे का तड़का लगा के उसके बाद मैंने ये चावल डाल दिया है
और इसके बाद 1 सेकंड के लिए इसको चला के, और फिर इसके बाद इसमें नमक डाल देंगे। तो नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल लेना, और जितना मैंने चावल डाला है उसका 2 गुना मैंने पानी डाला। जैसे 1 कटोरी चावल डाला है तो इसमें 2 कटोरी मैंने जो है पानी डाल दिया है। न ज़्यादा पानी डालना है न कम डालना है, जितना चावल रहेगा उतना 2 गुना पानी। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी नाप के डाल दिया है। अब इसमें मैं लगा दूँगी सीटी, तो ये 2 सीटी में मेरा चावल बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा कढ़ी पकौड़ा बनकर रेडी हो गया है, चावल भी बन गए रेडी हो गया है। ये है फलाहारी रेसिपी, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करें व्रत में। तो ये है नवरात्रि स्पेशल व्रत की थाली, कढ़ी और चावल। और यहाँ पे मैंने बनाया है पुदीने की चटनी, सिर्फ पुदीना और धनिया हरी मिर्च टमाटर का मैंने चटनी बना दिया है। तो ये देखिए मेरा फलाहारी थाली बनकर रेडी हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और मैं मिलती हूँ नए रेसिपी के साथ, और तो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना।